Hello and welcome to India's number one coaching institute with well-experienced and well-qualified staff. Great opportunity for students who are looking up for government jobs. Hurry up, enroll up for mock test of account assistant and class 4 exams. Topic-wise video solution will also be provided. Math special paid batch for SSB, SSC, JK Bank and all the banking exams will be provided. We have also started special GS batch from zero to hero. Free English course for all the exams will be provided. We will also provide reasoning classes for banking exam and for SSC, CGL. Free material for all the competitive exams will be provided. I welcomed all the aspirants for the better future. You can also follow us on Instagram, Facebook and can subscribe our YouTube channel. Thanks for watching. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे माफी मांगता हूं और आई एम वेरी सॉरी कि मैं मैथ्स के लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया था। मैं थोड़ा बिजी था और उस बिजीनेस की वजह से शेड्यूल जरा बहुत ज्यादा टाइट हो गया था, जिसकी वजह से मैं मैथ्स के जो क्लास फोर्थ एग्जाम के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब आज के बाद मैथ्स क्लास फोर्थ का सारा कुछ कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा, चाहे वो क्लास फोर्थ एग्जाम से लेके इवन के सीजीएल लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट ये बात याद रखना, ये पर्टिकुलरली क्लास फोर्थ के लिए ही है, बट इन डेप्थ होगा, पूरी नॉलेज दी जाएगी टॉपिक की। और इसके अलावा भी मैं आपके साथ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी, उसके लिए अलग से मैं बैच लाऊंगा, वो भी फ्री लाऊंगा। अब मैं फिर से सॉरी बोल रहा हूं, अब आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए और यहां से मैं पूरा आपको पूरी हेल्प करूंगा। देखो, इससे पहले पांच लेक्चर हो गए हैं और हमने पढ़ा है, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, परसेंटेज क्या होता है। और फिर उसके बाद हमने सीखा 100% कैसे निकालते हैं, 50% कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा 10% कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा 5% कैसे निकालते हैं, 1% सीखा था, 2% सीखा था, ऐसे चीजें सीखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कौन डिवाइडेड बाय किसका, अगर आपको याद हो, कौन डिवाइडेड बाई किसका इंटू 100। उनमें मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, 50 80 का कितना परसेंट है, ये पढ़ाया था ऐसे करके। तो इसमें मैंने आपको बोला था कौन डिवाइडेड बाई किसका, जिसके साथ ऑफ लगा हो वो नीचे लिखते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मैंने आपको बोला था ये जीरो और ये जीरो कैंसल, 5/8। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको वैल्यूज कुछ सिखाई थी, परसेंटेज और फ्रैक्शन की कुछ वैल्यूज सिखाई थी। और फिर उसमें मैंने आपको बोला था अगर सीधा लिखा हो कहीं ना कहीं ऐसे 5/8, तो 5/8 की वैल्यू होती 62.5%, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला लेक्चर भी जरा एक बार हल्का सा रिवाइज करके आप देख लो, या जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको देखो, आपकी कंटिन्यूटी, आपका रिदम टूट गया है, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं। आज से मैं आपको पूरा मैथ पढ़ाऊंगा और ये डिपेंड करेगा आपके व्यूज पे, लाइक्स पे और कमेंट पे और शेयर पे। बहुत कम व्यूज लाइक शेयर मिलते हैं, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस टूट जाता है और पढ़ाने का मजा नहीं आता है। तो आप जरा देख लीजिएगा, ये हमने पढ़ दिया और उसके बाद और हमने आगे क्या पढ़ा था मैं रिकॉल करवा देता हूं। हमने पढ़ा था 16.66% ऑफ 180, इसको मैंने आपको पढ़ाया था। 16.66 का मतलब होता है 1/6 और ऑफ का मतलब होता है इनटू और 180 और 6 × 6 × 6 = 18 और 30, यानी कि ये बनेगा 30%, ठीक है ना, ठीक है ना, खाली 30 बनेगा।
ये भी पिछले चौथे पांचवें लेक्चर में पढ़ दिया है हमने। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आने वाले हैं। आगे चलते हैं हम। ये मेरा आपसे वादा है कि मैथ्स में आप धुरंधर बन जाएंगे, धुरंधर बना के छोड़ूंगा, बट सिर्फ आप जरा साथ दीजिए, कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज को। देखो, आज से हम नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये वही परसेंटेज का कंटिन्यू लेक्चर है। ये परसेंटेज का वही कंटिन्यू लेक्चर है जो हमने शुरू किया था। देखो, अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पहले मैं आपको वो बताता हूं। कभी कभार पेपर में आता है कि भाई एक नंबर दूसरे का कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे? परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस। क्वेश्चन देखो, 70 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 60? 70 जो है ये 60 का कितना परसेंट ज्यादा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या लिखना है? दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे कंपेयर किया जाए। या अगर आपको यह कभी भूल जाए तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिसके साथ देन लिखा हो, जिसके साथ देन लिखा हो। ठीक है ना? अब ये मैंने आपको बताया है कैसे करना है, अब हम इसको करेंगे। 70 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 60? पहले 70 माइनस 60 डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर, किससे कंपेयर हो रहा? 60 से, जिसके साथ देन लिखा हो। देन किसके साथ लिखा है? 60 के साथ, डिवाइडेड बाई 60। अब परसेंटेज निकालनी है तो ये तो आपको पता है, जब भी परसेंटेज निकालनी हो इंटू 100 करते हैं। ठीक है, जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो इंटू 100 करते हैं। तो 70 में से 60 निकाले, कितने बनते हैं? 10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100। अब उसके बाद हम ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। 1/6 की वैल्यू किसको नहीं पता? जरा वो फ्रैक्शन वाली चीजें याद रखो। 1/6 की वैल्यू होती है, 1/6 होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, 16.66। 1/16 क्या होता है? 16.66। तो 70 इज व्हाट परसेंटेज मोर, तो 70-60 से कितना परसेंट ज्यादा है? 16.66% ये क्या है, उससे ज्यादा है। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको? अच्छा देखो, अब मैं इसको उल्टा करके बताता हूं। अगर ऐसा क्वेश्चन हो 16.66% मोर देन 60 इज, 16.66% मोर देन 60 इज, अब हमें पता है ना 16.66% क्या होता है? 1/6। ठीक है ना? 16.66 का मतलब होता है 1/6, और 1/6 इंटू किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको ये आगे आने वाले पेपर में, आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अगर ये पूछा है 70 इज व्हाट परसेंटेज मोर, अगर ये पूछा हो नंबर की बात 16.66%, तो 1/6 है। अभी मैं यहां बता रहा हूं, बट इसका अच्छे से मैं बताऊंगा जब आगे 2-4 वीडियोस के बाद। 16.66% ज्यादा है, ठीक है ना? 16.66% ज्यादा है, इसका मतलब पहले 6 था, अब 1 बढ़ गया है, यानी कि 7/6 इंटू किसका? 60 का। तो 6 एकम 6 और 6 इंटू 10 होता है 60,
और 10 × 70 होता है, 10 × 7 होता है 70, ये वही 70 और ये वही 70, ठीक है। तो ये अभी आप मत करो, ये मैं आपको नया तरीका बताऊं, मतलब नए अच्छे से बताऊंगा शुरू से। अभी सिर्फ आप ये करो परसेंटेज मोर देन 60, फिर हम करेंगे परसेंटेज लेस वाले क्वेश्चंस भी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसको जरा ट्राई करो आप। क्या है क्वेश्चन देखो, 96 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 80। तो पहले वीडियो को रोको, आप खुद करो। क्या मैंने आपको बताया हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस डिवाइडेड बाई, डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिस, मैं इसको, हां डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे, जिससे कंपेयर किया हो। बस आपको सिर्फ ये याद रखना है और ऐसे सारे क्वेश्चनों में यही आपको करना है। डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया जाए। अब 96 में किसमें, अब आप मुझे ये बताओगे के 96 में और 80 में क्या फर्क है। 96 माइनस 80 डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर किया हुआ है, 80 से। तो 96 में से 80 निकाले, पीछे कितने बचते हैं, 80 10 90 6 96 16 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 16 डिवाइडेड बाय 80 आ गया, तो अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो आप इसको काट लो जैसे मर्जी। अब इसका मतलब होता है 16/80 × 100, ये जीरो ये जीरो खत्म। अब 8 × 8 और 8 × 2 = 16 और 2 × 10 होते हैं कितने, 20%, ठीक है निकल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 108 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 72। अब हमें क्या करना है, 108 का और 72 का डिफरेंस निकालना डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया 72 से, और 108 में से निकाले 72, कितने आते हैं फिर 70 और 30 होते 100 और 30 38 और 36, 36 डिवाइडेड बाई 72। मल्टीप्लाई करना होता 100 से क्योंकि हम निकाल रहे परसेंटेज, ठीक है। अब इसको कैसे काटेंगे हम, सीधा काट लो इसको, किसे कटेगा 12 से 12 × 36 और 12 × 6 = 72, ठीक है ना। अब हमें ये आ गया 3/6 × 100। अब ये है, ऐसे में करता हूं 3/6 × 100। अब 3/6 है ना, तो 3 को ले लो बाहर, पीछे बचेगा 1/6 और 1/6 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती, 1/6 की वैल्यू होती 16.66 या 16 × 2/3, और पीछे 3 भी है। तो ये बनेगा, पीछे 3 भी है 16.66, तो 3, हाँ ठीक है, ये यहां एक गलती होगी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बस ना ना, अच्छा एक गलती होगी मेरे से, गलती होगी, आई एम वेरी सॉरी। इसको हम गलती होगी, देखो 108 और 72, 108 का और 72 का डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे कंपेयर किया जाए, 72 से कंपेयर किया, 108 में से 72 निकाले तो आता 36 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100, और यहां ते 12 × 36 और 12 × 6 = 72, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, यानी कि 1/2 × 100, और 1/2 का मतलब किसको नहीं पता होता, 50%, ठीक है।
अब चलेंगे हम आगे। 36 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 32। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मूला एक ही बार, डिफरेंस 36 में से 32 निकाले, डायरेक्ट कर दूं मैं, आप डायरेक्ट करते रहना, 36 में से 32 निकाले डिवाइडेड बाई 32 जिससे कंपेयर किया वो, 36 में से 32 निकाले कितने आते, 4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 8 1/8। अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो 1/8 की वैल्यू क्या होती है, दूसरा लेक्चर देख लेना एक बार, 1/8 की वैल्यू होती है 12 1/2%। ठीक है, आधे आपको होमवर्क भी देंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज मोर देन 120 इज 160। सिर्फ लैंग्वेज अलग है बट देखो हमें पता है 165 और 120 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई देन किसके साथ लिखा हुआ है, 120 के साथ, तो नीचे तो 120 ही आएगा। अब 165 में से 120 निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5 में से 0 निकाले तो 5 और 12 और 4 14 45 डिवाइडेड बाई 120, यानी कि सीधा 45 डिवाइडेड बाई 120। अब मेरे प्यारे बच्चों आप इसको काट सकते हो, 5 से उड़ेंगे ये दो, 5 से काट लो इसको सीधा, 5 into 9 और 5 × 10 और 2 × 12 = 0, 5 × 20। अब ये कटेगा 3 से, 3 × 3 = 9 और 3 × 8 यानी के 3/8 ऑफ 100। अब ये 100 क्यों लाया, मैंने आपको बताया क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो अगर आपको याद हो 3/8 की वैल्यू होती है 37.5 और साथ में परसेंटेज। ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं, डिफरेंस डिवाइडेड बाई जिससे कंपेयर करना है। अब मैं चाहता हूं कुछ आपको घर के लिए काम दिया जाए, और कल जो बच्चा ये क्वेश्चन सही करेगा उस बच्चे का नाम लिया जाएगा, और नाम लेके उस बच्चे के बारे में उसका कमेंट यहां पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको खुद करना है ट्राई ये। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, 91 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 84, ये करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट परसेंटेज मोर देन 125 इज 130, कमेंट लिखना है और नीचे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट डिस्प्ले करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज मोर देन 80 इज 160। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट परसेंटेज मोर देन 120 इज 600, यानी कि 600 120 का कितना परसेंट ज्यादा है। और आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, 292 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 180। तो 6 क्वेश्चन मैंने किए और 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कौन बच्चा इसको कर रहा है, कौन बच्चा कितना सीरियस है, और मैं देखूंगा कि जो बच्चे जितने सीरियस होंगे उसी हिसाब से इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।